दोस्तों 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग ने जारी किए दो लेटेस्ट और ताज़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि DOPT के द्वारा 13 फरवरी 2021 को सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस अटेंडेंस और डिपार्टमेंटल कैंटीन को खोले जाने के संबंध में दो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिनका कि असर 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं डिपार्टमेंटल कैंटीन को खोले जाने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में, और उसके बाद में चर्चा यहां पर की जाएगी सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस अटेंडेंस को लेकर जो नए दिशा निर्देश DOPT के द्वारा जारी किए गए हैं उसके बारे में। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नए दिशा निर्देश हैं ये सोमवार 15 फरवरी 2021 से सभी केंद्रीय कार्यालयों में लागू हो जाएंगे, यानी कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर डिपार्टमेंटल कैंटीन को खोले जाने के संबंध में आदेश यहां पर जारी किया गया, और अब यहां पर कहा गया है कि अब केंद्र सरकार की सभी डिपार्टमेंटल जो कैंटीन्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगी और सरकारी कर्मचारी अब ऑफिस कैंटीन में ही खाना खा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कैंटीनों को बंद किया हुआ था। तो अब यहाँ पर जो ये मैटर है इसको रिव्यू किया गया है, और इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल डिपार्टमेंटल कैंटीन्स मे बी ओपनड द कैंटीन एम्प्लॉयज आर टू स्ट्रिक्टली फॉलो हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल टू अवॉइड क्राउडिंग स्पेशली एट द डिस्ट्रीब्यूशन बार सेल काउंटर्स, यानी कि अब जो डिपार्टमेंटल कैंटीन है वो पूरी तरीके से काम करेंगी, लेकिन जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है जो कैंटीन स्टाफ है उसे हाइजीनिक और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन कर्मचारियों को अब यहाँ पर ऑफिस कैंटीन में ही चाय कॉफ़ी वगैरह और उनका खाना जो है वो यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी राहत यहाँ पर DOPT के द्वारा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दे दी गई है कि सभी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगी सोमवार 15 फरवरी 2021 से। दोस्तों इसके बाद में जो अगली खबर यहाँ पर है ये 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और यहाँ पर DOPT के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस अटेंडेंस को लेकर नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, यानी कि किस तरीके से अब यहाँ पर सोमवार से सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों को ऑफिस आना है और जाना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो ये ऑफिस मेमोरेंडम आपके सामने है और उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अटेंडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी कि सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर। तो अब यहाँ पर इस पहले भी आदेश जारी किए थे 7 अक्टूबर 2020 और उसके बाद में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी 27 जनवरी 2021 को नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी कि किस तरीके से सरकारी ऑफिसों से कामकाज करेंगी। तो अब यहाँ पर कुछ नियमों को बदल दिया गया है और नए दिशा निर्देश यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी लेवल्स के कर्मचारी और अधिकारी सभी वर्किंग डेज पर पूरी तरीके से ऑफिस अटेंड करेंगे, यानी कि अब किसी को भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। पहले जो दिव्यांग कर्मचारी थे और जो गर्भवती महिला कर्मचारी थी उन्हें यहाँ पर छूट दी हुई थी कि वो ऑफिस नहीं आएंगे, वो घर से ही काम करेंगे, लेकिन अब उन सभी छूटों को यहाँ पर हटा दिया है और सभी लेवल्स के और सभी कैटेगरी के कर्मचारी और अधिकारी सभी वर्किंग डेज पर ऑफिस आएंगे, यानी कि अब सरकारी जो ऑफिस हैं वो 100% अटेंडेंस के यानी स्टाफ के साथ में काम करेंगे यहाँ पर 15 फरवरी 2021 यानी कि कल सोमवार से। उसके बाद में यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स वो ये सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की ऑफिस में भीड़ नहीं हो और कर्मचारी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो, यानी कि भीड़ को अवॉइड करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जाएंगे, लेकिन सभी कर्मचारी यहाँ पर ऑफिस आएंगे। और उसके बाद में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं वो उनको ऑफिस आने से छूट रहेगी, लेकिन वो कर्मचारी यहाँ पर घर से काम करेंगे और जब तक उनका जो एरिया है उसे डीनोटिफाइड कर दिया जाता है तब तक वो घर से काम करेंगे। जैसे ही उनका एरिया डीनोटिफाइड हो जाता है कंटेनमेंट जोन से तो उन्हें ऑफिस आना होगा, लेकिन तब तक वो यहाँ पर घर से काम करेंगे। उसके बाद में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसे फिलहाल आगामी आदेश तक सस्पेंड किया गया है यहाँ पर, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर्मचारियों की नहीं ली जाएगी। और फिर यहाँ पर लास्ट में ये कहा गया है कि जो मीटिंग्स हैं वो फिलहाल वर्चुअल ही की जाएंगी, यानी कि ऑनलाइन मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा, फिलहाल जो पर्सनल मीटिंग है उन्हें यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा। और इसके बाद में जो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा उसे भी आगामी आदेश तक फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह पहनना है, उसको भी फॉलो किया जाएगा। और ये जो दिशा निर्देश हैं ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे, यानी कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये 15 फरवरी 2021 यानी कि कल सोमवार से केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में लागू हो जाएंगे, जिसका कि
सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पालन करना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हो। तो ये दो बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।